वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आनंद साहब की चल रही कथा में आज हम 28 नंबर पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझने जा रहे हैं, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि माता के उदर में है प्रतपाल करे सो क्यों मनोविसारी है। अर्थात उसे कभी भी बुलाना नहीं चाहिए जो माता के उदर में भी हमारा पालन पोषण करता है। संगत जी, माँ के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें जाना था कि गुरबानी में माँ के कौन कौन से रूप हैं। जैसे हमने जाना था कि यह धरती भी एक माँ है जिससे कुदरत, पेड़ पौधे सब कुछ जन्म लेता है, और माँ केवल इंसानों में नहीं बल्कि हर जीव जंतु में भी माँ होती है। और माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो केवल बच्चे का जन्म नहीं होता बल्कि माँ का भी उसी दिन जन्म होता है। उससे पहले तो वह केवल औरत होती है। और एक बात कि जब तक बच्चा उदर में भाव पेट में होता है तो बच्चे की खुराक माँ के द्वारा ही बच्चे को प्राप्त होती है। माँ की नाड़ी जो बच्चे से अकाल पुरख ने इस तरह से जोड़ी है कि बच्चे को जो भी खुराक जा तत्व आदि चाहिए उसे माँ के पेट में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यह क्रिया करनी नहीं पड़ती बल्कि अपने आप हो रही है, उस मालक के हुक्म में हो रही है। संगत जी, इस तरह की बहुत सी क्रियाएं हैं जिसे हमें करना नहीं पड़ता बल्कि अपने आप हो रही हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, सोते हुए भी सांस ले रहे हैं, या हम खाना खाते हैं तो पचाने का काम, उसमें से क्या क्या जरूरी तत्व हैं उसे अलग अलग करने का काम सब कुछ हमारे अंदर अपने आप हो रहा है। हर रोज हो रहा है, पल पल हो रहा है। जरा सोचिए, यदि यह काम हमें खुद करने पड़ते तो हमारा क्या हाल होता। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कौन कौन से तत्व चाहिए जो हमारी सेहत के लिए जरूरी है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किसको कहें कि ए पांव तो चल, ए हाथ तो काम कर। तो हमारे अंदर जो सारा काम काज चलता है यह अपने आप भाव उसके हुक्म से, नियम से चल रहा है। तो संगत जी, थोड़ी बात को ही ज्यादा समझे कि हमारे अंदर बहुत सी क्रियाएं ऐसी हो रही है जो हमारे हाथ में नहीं बल्कि परमात्मा के हाथ में है। इसलिए जो हमें इतना कुछ दे रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, उसे हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए बल्कि उसके दिए हुए का सदा धन्यवाद करना चाहिए। संगत जी, हमें प्यास लगी हो उस वक्त यदि कोई पानी दे दे, या जब हमें किसी की जरूरत हो तो उस वक्त कोई साथ दे दे, तो हम उसका बार बार धन्यवाद करते हैं, उसे बार बार जीवन में याद करते हैं कि उसने हमारी मदद की। तो फिर उस मालक को हम क्यों ना बार बार याद करें जिसने हमें जीवन दिया। पानी, हवा, आग, मट्टी, पेड़, यहाँ तक के परिवार आदि सब कुछ दिया, बिना कुछ लिए दिया। जिसने इतना कुछ दिया उसे तो कभी भी बुलाना नहीं चाहिए। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमा रहे हैं कि उसे कभी भी बुलाना नहीं चाहिए जो माता के उदर में भी हमारा पालन पोषण करता है, भाव जो हमें वहां भी नहीं भूलता जहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। ऐसे अकाल पुरुष को भूल कर भी भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि मनो क्यों विसारी है ये वरदाता ज अगन में आहार पहुंचावे। अर्थात इतने बड़े दाते को मन से भुलाना नहीं चाहिए जो माँ के पेट की आग में भी खुराक पहुंचाता है। संगत जी, गुरबानी में यह भी दर्ज है कि जो कीट पत्थरों के अंदर है, जहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई हवा नहीं, वहां भी अकाल पुरख ने उनके लिए खाने का इंतजाम कर रखा है। यहाँ तक के पानी के अंदर भी और बाहर भी, हर जगह जिसे उसने पैदा किया उसके खाने का पहले इंतजाम किया। इस तरह अकाल पुरख ने बच्चे के पैदा होने से पहले उसके खाने का इंतजाम करके रखा है। जो खाना एक माँ खाती है, उस खाने में कौन से जरूरी तत्व है उसे अलग किया, उसे जठरा अग्नि द्वारा अच्छी तरह गलाया और फिर उसे अपने भीतर और बच्चे के भीतर भेजा गया। तो ये प्रक्रिया किसी माँ को करनी नहीं पड़ती, ये अपने आप होती है, भव अकाल पुरख के हुक्म में, नियम में ये होती चली जाती है। इसलिए जिसने हमारे लिए इतने अधिक इंतजाम किए, जिसने माँ के उदर में भी हमारा पालन पोषण किया और जिसने बाहर भी हमारे लिए हर तरह की सुविधा पहले से ही बना रखी है, हवा, पानी, परिवार और जो जरूरी है वह सब कुछ बना रखा है, ऐसे अकाल पुरख को, ऐसे सृजनहार को, ऐसे सतकर्तार को कभी भी मन से भुलाना नहीं चाहिए। उसे तो सदैव याद रखना चाहिए। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि इतने बड़े दाते को मन से भुलाना नहीं चाहिए जो माँ के पेट की आग में भी खुराक पहुंचाता है। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि ओ सुनो कह पोह ना सकी जे सुनो
आप पढ़ें, लिवला वे, अर्थात वह जिसे अपने लगन में लगा लेता है उसे कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता। संगत जी, आपने सलवा हुसैन के बारे में सुना होगा जो अपना दिल एक डब्बे में लेकर चलती है। इस इलाज को देखकर लोग डॉक्टरों के इस चमत्कार की सराहना करते हैं कि ये कैसे किया, ये तो एक चमत्कार है। ऐसे ही आपने कुछ ऐसे केस भी देखे होंगे जिनमें किसी का हाथ नहीं या आंखें चली गई या शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो डॉक्टरों ने उसे या तो बदल दिया या उस अंग जैसा बनावटी अंग बनाकर उसकी जिंदगी बदल दी। तो यह चमत्कारों को जब हम देखते हैं या सुनते हैं तो हम दंग रह जाते हैं कि यह इंसान ने कैसे चमत्कार किए जो टूटे हुए को फिर से जोड़ दिया, और सराहना करनी भी चाहिए। परंतु संगत जी, वही दिल जो हमारे अंदर जन्म से लेकर अब तक बिना रुके धड़क रहा है, मेरे अंदर, आपके अंदर, क्या ये हमारे लिए बड़ा चमत्कार नहीं है? हमारे सभी अंग जो चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे अंदर सारा सिस्टम अपने आप से खुद को चला भी रहा है और ठीक भी कर रहा है, क्या ये अपने आप में बड़ा चमत्कार नहीं? हमें कहना नहीं पड़ता कि ऐ पैर तू चल, बस चलना है तो चल पड़ते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इस बात को कोई जाने या ना जाने पर हमारे लिए ये सबसे बड़े चमत्कार हैं जो हम सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये किसी करिश्मे से कम नहीं। संगत जी, कोई समझे या ना, लेकिन हमारे गुरु साहब ने इस चमत्कार को समझा भी, देखा भी और प्रशंसा भी की। इसलिए वे जब कुदरत को देखते हैं, उसमें पैदा होने वाले फूल पौधे या जो भी कुछ हमारे लिए जरूरी है उसे देखते हैं तो देखकर वाह वाह करते हैं, बार बार सृजनहार को नमन करते हैं जिसने इतना कुछ हमारे लिए पैदा किया। जैसे इस पौड़ी में गुरु साहब ने समझाया कि निरंकार ने हमें एक छोटी सी बूंद और माँ के खून से पैदा करके जो चमत्कार किया, इसकी मिसाल और कहीं नहीं। इतना ही नहीं, माँ के गर्भ के अंदर भी जो बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। यदि हम सही से सोचें तो हमें तो अपने एक एक श्वास के लिए भी परमात्मा का धन्यवाद करें तो ये धन्यवाद फिर भी बहुत कम है। तो अब इस पंक्ति की तरफ आते हैं। संगत जी, जैसे हम गर्भ में होते हैं तो हमारा पालन पोषण परमात्मा खुद करता है, ऐसे ही जब हम अब दुनिया में जी रहे हैं, जब जीते जी हम अकाल पुरख से जुड़ जाते हैं, जब उससे प्रेम करने लग जाते हैं, जब उसका गुणगान करने लग जाते हैं, जब उसका शुक्रिया करने लग जाते हैं, तो फिर वह हमारे मन की, आत्मा की वैसी ही रक्षा करता है जैसे बच्चे की रक्षा माँ के गर्भ में करता है। संगत जी, जगत में यदि आज की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम भटक जाते हैं, हमारे पैर गलत तरफ चलने लग जाते हैं, हमारे हाथ गलत करने लग जाते हैं, लेकिन जब हमारा मन अकाल पुरख की तरफ लग जाए तो फिर वह अकाल पुरख हमें इन विकारों से बचा कर रखता है, विकारों की आग से हमें बचा कर रखता है जैसे उदर में बालक। एक बात याद रखें कि बाहर के सुख दुख मुसीबतें सब पर आती हैं और आती ही रहेंगी, पर अंदर से यदि हम रब से जुड़े हैं तो भीतर के माहौल को हम बदल सकते हैं। यदि अंदर से हम बलवान हो जाएं, आनंद से भर जाएं, तो बाहर की आने वाली मुसीबतें भी हमारी राह में बाधा नहीं बनती, क्योंकि अब लिव हमारा ध्यान जो एक से जुड़ गया है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि वह जिसे अपने लगन में लगा लेता है उसे कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता। पर अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हम अपनी लिव उससे जोड़े कैसे, चारों तरफ तो आग है, विकार है। तो इसके बारे में गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए। अर्थात सच तो यह है कि वह स्वयं ही अपने लगन में लगाता है, पर गुरमुख बनकर सदा ही उसे स्मरण करना चाहिए। संग जी, हुक्म में हमने जाना था कि बनाने वाला भी वह है, मिटाने वाला भी, राजा भी वही बनाता है, भिखारी भी। तो हम जहां हैं, बाहर जो भी हालात हैं, आज चाहे गरीब हैं, हो सकता है कल अमीरी लिखा हो सकता है आज सुख में हैं, कल कोई दुख लिखा हो, तो बाहर से यह सुख दुख जीवन कभी आसान कभी मुश्किल, ये सब चलता ही रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। परंतु भीतर के हालातों को हम जरूर बदल सकते हैं। वह कैसे? गुरु से जुड़कर। जब गुरु से मन जुड़ता है तो मन अकाल पुरख से जुड़ता है। संगत जी, जब मन एक से जुड़ जाता है तो फिर बाहर कैसे भी हालात हों कोई बात नहीं, मन सदा आनंद में रहता है। आपने देखा सुना होगा कि इतिहास में कितने पीर फकीर भगत संत गुरु आदि हुए,
जब उन्हें शहीद किया गया, जब उन्हें तकलीफें दी गईं, तो वह घबराए नहीं बल्कि मुस्कराए। उन्हें डराया गया पर वे फिर भी निडर रहे। उन्हें ललचाया गया परंतु वह संतोष से भरे रहे। वह केवल इसलिए क्योंकि वह भीतर से एक से जुड़े थे, ज्योति से जुड़े थे, और बाहर जो हो रहा है वह जानते हैं कि ये तो होना ही है। इसलिए जो होना है उससे कैसा घबराना, बल्कि जो हो रहा है वैसा हो जाने से ही वह और भी चमक उठते हैं, उनके नाम और भी बुलंद हो जाते हैं। तो जब हम संगत जी गुरु से शब्द से जुड़ते हैं तो हमें उसमें से रत्न मिलते हैं, शिक्षाएं मिलती हैं, रत्न भाव गुण जो जीवन में बहुमूल्य हैं, जिनसे जीवन कीमती बनता है, जिनसे हमारे लिए निरंकार से लगती है। और जो इस अवस्था तक पहुंचता है वह ये नहीं कहता कि मेरे लिव अकाल पुरख से लगी है या मैंने लिव लगाई है। वह सदैव यही कहता है कि लिव लगाने वाला भी वही है, मुझसे भक्ति करवाने वाला भी वही है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। यदि ये सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मैं कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। यहां तक पहुंच कर ही मन जान पाता है कि मैं सांस ले नहीं रहा बल्कि वह सांस तो दे रहा है। जैसे कि इस पंक्ति में गुरु साहब ने समझाया कि वह स्वयं ही अपनी लगन में लगाता है, पर गुरमुख बनकर सदा ही उसे स्मरण करना चाहिए। हमारा तो धर्म है उसे याद करना, स्मरण करना, पर उस स्मरण से हम उस तक पहुंच जाए ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारिय। अर्थात नानक कहते हैं, भाव गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो इतना बड़ा दाता है उसे मन से क्यों बुलाएं, क्यों उसे बुलाएं जो हमें सांसें देकर जिंदा रख रहा है, उसे क्यों बुलाएं जो हमारे अंदर और बाहर हर तरफ अपने हुक्म से नाम से हमारी रक्षा कर रहा है, उसे क्यों बुलाएं जो माँ के गर्भ में भी हमारा पालन पोषण करता है, उसे क्यों बुलाएं जिसने हमारे जीवन से पहले हमारे लिए भोजन पैदा किए, पानी, आग, हवा, पेड़ आदि पैदा करके हमारा ख्याल किया, उसे क्यों बुलाएं जिसने सूर्य की अग्नि हमारे लिए दी, खेतों, पेड़ों, पौधों के लिए दी, और ज्यादा अग्नि से कुदरत या हम मर न जाए उसके लिए उसने धरती पर एक कवच भी दिया, तो उसे क्यों भूलें जिसने आग, मट्टी, पानी, हवा, आकाश आदि को पैदा किया, उसे क्यों भूलें जिसने माँ बाप की तरह हमें पाला, हमारी गलतियों को माफ किया, उसे क्यों भूलें जिसने हमें गुरु दिया, अपना नाम उसमें से देकर हमें भूल चुकों को फिर से सुधरने का मार्ग दिया, उसे क्यों भूलें जो हमारे एक कदम चलने पर वह 100 कदम चलकर आता है। संगत जी, हम उसकी प्रशंसा को, उपहारों को कहते जाएं हमारे शब्द खत्म हो सकते हैं, परंतु उसकी उपमा, उसका गुणगान, उसकी प्रशंसा कभी खत्म नहीं हो सकती। गुरु साहब तो यहां तक फरमाते हैं कि यदि धरती के सारे पेड़ों को मैं कलम बना लूं, यदि सारा पानी दवात बना लूं और सारी धरती पर उसकी सिफ्त लिखूं, ऐसा करने से भी उसकी पूरी पूरी सिफ्त सलाह नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वह रहमतों का समंदर है और हम एक छोटी सी बूंद, हम इतने छोटे से जीव इतने बड़े दातार के उपहारों को क्या जानेंगे। हम जो भी जानते हैं वह एक रेत के कण के बराबर भी नहीं। हम तो केवल इतना कर सकते हैं कि खुद को वैसा बना लें जैसा वह चाहता है, और वह क्या चाहता है उसके लिए हमारे पास कुर्बानी है। गुरु की वाणी को पढ़ें, समझें, गुरु की वाणी ही उसका नाम है, उसका पैगाम है, उसका हुक्म है, उसकी पहचान है। तो आइए संगत जी, उसे कभी ना भूलें जो सबसे बड़ा दाता है, जिस दाते से सब दाते हमें मिल रही हैं। तो गुरु साहब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो इतना बड़ा दाता है उसे मन से क्यों भुलाएं, भाव उसे कभी भी मन से भुलाना नहीं चाहिए, उसे तो सदा याद रखना चाहिए, सदा मन में याद रखना चाहिए। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आइए अंत में अनंत साहब की 28वीं पौड़ी का पाठ करें। माता के उदर में प्रित पाल करे सो क्यों मनो विसारिये, मनो क्यों विसारिये एवड दाता जे अग्न में आहार पहुँचावे। ओ सुनो कह पोह न सकी जे सुनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए।
कह नानक ए वड़दाता सो क्यों मनो विसारिया।